बायोस प्रोग्रामर के लिए अगर आप जाते हो, बहुत सारे बायोस प्रोग्रामर है, ES-341 है ना, यूएसपी बायोस प्रोग्रामर। दूसरे में आ जाता है हमारा इनिट बायोस प्रोग्रामर। तीसरा आ जाता है हमारा RT-809F। फोर्थ में आ जाता है RT-809H। एक हो गया हमारे पास SVOD। मोटा मोटे मार्केट में यही चलते हैं, समझ गया ना। अब SVOD में क्या होता है, वो वर्जन होता है 1, 2, 3, 4। अभी क्या चल रहा है, SVOD 4 चल रहा है। प्राइस के हिसाब से जाओगे है ना, तो सबसे सस्ता बायोस प्रोग्रामर कौन सा है इसमें, ये CH-341। कितना कीमत होगा, विथ सॉकेट आप मान के चल लो, करेक्ट, बेसिक सॉकेट्स लेकर के चले तो आपको 600 से 800 के बीच में पड़ेगा, समझ गया ना। इनिट बायोस प्रोग्रामर 3500 रुपये फिक्स प्राइस है। RT-809F में जाओगे तो अकॉर्डिंग टू सॉकेट है ना, ये भी आपको 3500 से जितना सॉकेट बंदा डाल दे 4500 के बीच में पड़ता है, समझ गए ना। H पे जाओगे, ये भी डिपेंड करता है सॉकेट के ऊपर, कितने सॉकेट आ रहे हैं, समझ गए ना। तो मार्केट में अभी का जो रेट है मोटा मोटा आई थिंक 12500 से लेके 15000 तक चला जाता है इसका रेट। SVOD 4 जो है इसका रेट तो 22500 से लेके बेचने वाला और एक तो सॉकेट मिला के 25000 तक लेके चला जाता है, है ना। तो जिसको जौन सा लेना हो ले सकता है। इन सब में सबसे स्मार्ट, अब बोलोगे मेरा सबसे पसंदीदा है ना, तो वो कौन सा हो जाता है हमारा, ये H सबसे बेस्ट क्या है हमारा, H है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट है। इसको ले लिया तो बहुत सारे मिस्टेक्स होने की संभावना कम रहती है, ठीक ना। तो स्मार्ट है, SVOD स्मार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। RT-809H आपका स्मार्ट है, किस नजरिए से स्मार्ट है वो अभी बताऊंगा। इसको मैं स्मार्ट क्यों बोल रहा हूँ, है ना, SVOD स्मार्ट नहीं है, समझ गए ना। ये हमारा स्मार्ट प्रोग्रामर है, ठीक है। अभी क्या है कि साथ ही साथ आपका क्या है, IO प्रोग्रामिंग का भी ऑप्शन आता है। तो अगर हम IO प्रोग्रामर भी यहाँ पर ऐड कर लें, IO प्रोग्रामर, तो IO प्रोग्रामर के लिए भी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक इनिट का SIO प्रोग्रामर और एक आता है वर्त्यानो, पता नहीं स्पेलिंग क्या होगा, मोटा मोटा यही वर्त्यानो, ठीक है ना। इसका प्राइस फिक्स है ₹7500। अगर कोई इससे कम में दे रहा है तो वो गद्दारी कर रहा है इनिट ग्रुप के साथ, समझ गया ना, ये ध्यान रखिएगा। वर्त्यानोब जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं है, बेसिकली ये रशियन है, समझ गया ना, इजीली अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आप इसको मंगाने के लिए जाओगे अपने सोर्सेस से, है ना, जैसे कि नेहरू प्लेस में एक बंदे ने मंगाया था तो मुझे जो कॉस्टिंग बताई वो 18000 की है ना। अच्छा, अब अगर IO प्रोग्रामर के लिए हम जाएं तो हमारा ये भी IO प्रोग्रामिंग कर सकता है, कौन, SVOD 4। मतलब SVOD 4 आपका क्या हो गया, BIOS प्लस IO प्रोग्रामर, समझ गए ना। फिर अगर हम और आगे जाएं तो फिर ये भी कर सकता है, RT-809H भी कर सकता है ना, ये भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्या है, BIOS प्लस IO प्रोग्रामर ये भी है,
लेकिन इसका आईओ प्रोग्रामिंग जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए अगर आईओ प्रोग्रामर के बारे में लेके चलते हैं तो आईओ प्रोग्रामर के लिए इसको कंसीडर कभी करते ही नहीं है, समझ गए ना। हम आईओ प्रोग्रामर के लिए अगर कंसीडर करते हैं, कोई अगर परचेज करता है आईओ प्रोग्रामर तो या तो वो एसबीओटी 4 पे जाता है, ये परचेज करता है, क्योंकि इसमें क्या फैसिलिटीज है, उसको बायोस भी मिल गया, आयो प्रोग्रामर भी मिल गया, है ना, या फिर केबल और केबल स्पेशल आयो प्रोग्रामर, तो आपका अवेलेबल ऑप्शन केबल इनिट का ऐसा आयो प्रोग्रामर है, समझ गया ना। बर्तियानो पहुंच से बाहर है, मंगाने में कॉस्टिंग ज्यादा, वैसे बेस्ट है बर्तियानो, समझ गया ना। वही था कि बर्तियानो इजिली नहीं मिलता था, प्राइस ज्यादा होता था, तो इसी को ध्यान में रख के इनिट एसआईओ प्रोग्रामर बनाया गया, समझ गए ना। और एक अच्छी बात है कि इनिट एसआईओ प्रोग्रामर हम कह सकते हैं कि हमारा इंडियन ओरिजिन है, मतलब कहीं भी जाता है अगर इंडिया से ही होके कहीं जाता है, समझ गए ना। अगर कोई भी परचेज करता है तो वो इंडिया से ही परचेज करेगा इनिट एसआईओ प्रोग्रामर, ऐसा नहीं कि वो चाइना में जाके खोजेगा इनिट एसआईओ प्रोग्रामर, नहीं मिलने वाला, वो इंडिया में ही मिलेगा, समझ गए ना। बाकी चीजें एसबीओडी 4 ये भी जो है ये भी चाइनीज नहीं है, एसबीओडी 4 जो है वो इसका है, यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया ऐसे ही कोई कंट्री है, स्लोवाक कंट्री, वहां का ये प्रोडक्ट है ना, चेक गणराज्य के आसपास पड़ता है स्लोवाकिया, वहां का ये प्रोडक्ट है। अगर इंडिया में कहीं से आता है तो कहां से आता है, वहीं से आता है, आपको मंगाना है आप भी मंगा सकते हो अपने एड्रेस पे, है ना। अगर आप अपने एड्रेस पे मंगाओगे एसबीओटी 4 तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया में कोई डीलर दे रहा है तो भैया वो तो अपना इंटरेस्ट भी जोड़ेगा ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान के चलिए एसबीओटी 4 कोई मंगाता है तो इसका प्रोडक्शन जो है ना वो कम है, प्रोडक्शन कम होने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा ये हाईफाई कंपनी नहीं है, है ना, एक लिमिट में ही एसबीओडी 4 बनता है एक महीने में, तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई मंगाता है तो उसको चार चार महीने भी लग जाते हैं, तो चार महीने तक जो कोई पैसा फंसा के रखेगा तो उसका इंटरेस्ट भी तो इसी में जोड़ेगा ना वो, समझ गए ना। तो उसको लेकर के कीमत आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोटा मोटी मान के चलो 4-5 हजार रुपये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ, 4-5 हजार रुपये मिनिमम यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है अगर हम किसी कहीं से भी परचेज करते हैं तो, नहीं डायरेक्ट आप खरीद लो तो डायरेक्ट तो हमेशा खरीद सकते हो, डायरेक्ट खरीदना है सस्ता चाहिए तो जो कुछ चाहिए डायरेक्ट चाइना से मंगा लो तो और सस्ता पड़ेगा, इंडिया से कुछ खरीदो ही मत। इंडिया में अगर कोई आपको कोई रेट देता है ना, वो रेट में क्या रहता है भैया, उसका सब कुछ जुड़ा रहता है, समझ गए ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ा रहेगा, उसका इंटरेस्ट रेट भी जुड़ा रहेगा, सब कुछ जुड़ा रहेगा, उसका स्टाफ का खर्चा भी जुड़ा रहेगा, उस हिसाब से मार्केट में रेट चलते हैं, मतलब फिक्स रेट होता ही नहीं है ना। बस एक इनिट एसआईओ प्रोग्रामर, इनिट बास प्रोग्रामर है जिसका रेट पूरे इंडिया में आपको फिक्स रखा गया, बाकी किसी चीज का रेट आपको फिक्स नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो चलिए, तो ये आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, सस्ते से सस्ता अगर चाहिए, मान के चलिए आप कहते हो कि सर मेरे पास ज्यादा पैसा है नहीं फिर भी मेरे को एक प्रोग्रामर की तो जरूरत है, ये ले लो, स्टार्टिंग में आप इससे भी काम चला सकते हो, समझ गए ना। क्योंकि ये जो CH341 है आधी दुनिया तो इसी से काम चलाती है, आप इंडिया में हो तो खुशकिस्मत हो कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, है ना, बाकी जगह ये इतने ऑप्शंस नहीं हो पाते हैं, समझ गए ना। तो ये आपका, ये आप ले सकते हो CH341 भी आप ट्राई कर सकते हो, सस्ते से सस्ता ये चीज है। अपने पास हाँ हाँ, जिसको चाहिए होता वो सस्ता सस्ता लेता है ये, समझ गए ना, सारे पास प्रोग्राम करेगा ये। बस ये है कि ये दोनों
एक ही प्राणी है, CH341 और इनिट बायोस्पोरम, समझ गया ना? ये CH341 छोटा भाई, ये बड़ा भाई, बस इतना ही है। ये है कि इसका थोड़ा डिजाइन अच्छा कर दिया, इसका डिजाइन वो वैसे का वैसा ही USB की तरह बना हुआ है, समझ गया ना? देखा आपने CH341? दिखाता हूँ आपको मैं, CH341। प्रोग्रामर इमेज पे जाओ, ये रहा CH341 प्रोग्रामर। ये देखो 219 रुपये का भी दे रहा है, मंगा सकते हो तो मंगा लो, electronicscomp.com, 219 रुपये का ये। अगर ट्रस्टेड है तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हो, समझ रहे हो ना? तो ये आपका CH341 प्रोग्रामर है। इसमें अगर आप देखोगे इसको, ये ऑप्शन से यहाँ पर आप अपने सॉकेट को लगा के प्रोग्राम कर सकते हो। बाकी इमेज में ही सारा चीज समझा दिया आपको, है ना? बस ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये USB पोर्ट पे लगेगा निकलेगा, लगेगा निकलेगा, ज्यादा तो ये जल्दी ड्राई होगा, ज्यादा डैमेज होगा। इसमें थोड़ा इंडियन जुगाड़ लगा लो, एक डब्बे के अंदर डाल के इसको पूरा पैक मार दो, तो ये पूरा का पूरा ढक भी गया, है ना? जब प्रोग्राम करना है तो हमने डबल डब्बा खोल लिया, तो इस तरह करके थोड़ा सा लाइफ बढ़ा सकते हो, है ना इसका? और नहीं तो फिर आप क्या करो, एक USB केबल का यूज कर लो। बहुत ज्यादा बड़ा केबल होगा तो फिर वो प्रोग्राम करने में दिक्कत करता है, ये भी ध्यान रखना। केबल छोटा ही लेना चाहिए, बस थोड़ा सा छोटा केबल लेकर के आप, मतलब इसको मेरे को उसमें लगाना ना पड़े, है ना? दोनों सेम साइड वाला जो केबल आता है ना, वो लेकर के भी आप इसके लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो ये सबसे सस्ता प्रोग्रामर हो गया, है ना? ये ठीक है। RT809F तो ये देखा ही होगा, ये यहाँ पर RT809F रखा हुआ है, ये आपका एफ है, समझ गया ना? लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, एफ में दिक्कत ये होती है कि 1.8 को लेकर के थोड़ा ये दिक्कत पैदा करता है, जैसे सारे 1.8 को ये नहीं कर पाता है, समझ गए ना? जैसे विनबॉन्ड में 1.8 आया तो ये कर देगा प्रोग्राम, XMC वगैरह आया तो वो फेल बता देता है, XMC वगैरह बायोस चिप के। बायोस चिप की अलग अलग कंपनी होती है ना, और उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी इससे मैच करेगी उसको एक प्रोग्राम करेगा, जिसकी नहीं करती उसको प्रोग्राम नहीं करता। तो एक दिक्कत इसमें आती है ना, 1.8 को लेकर के। मतलब अगर आप लेटेस्ट जनरेशन को लेके चलना चाहते हो या स्मॉल एसओसी बोर्ड को लेके चलना चाहते हो तो ये दिक्कत पैदा करता है RT809F। हाँ, इसकी जगह आप ये ले लो, सारा काम होगा इसमें, या फिर RT809H ले लो। एच सबसे बड़ा प्रोग्रामर है, एच आपका ये रहा। मेरे पास था, मेरा खराब हो गया RT809H। ये प्रोग्रामर होता है। और प्रोग्रामर में क्या होता है बेसिकली, मैंने पहले बताया कि इसका जो प्राइस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सॉकेट्स, कितने सॉकेट आ रहे हैं। जैसे देखो लिखा ना 21 एडेप्टर, 18,530, कौन दे रहा है? अमेजन पे कोई बेच रहा है। वही इस पर 31 हो जाएगा तो और रेट बढ़ जाएगा, 41 सॉकेट आ जाएंगे और रेट बढ़ जाएगा। तो सभी सॉकेट काम के नहीं होते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड सॉकेट की बात की जाए आपके प्रोग्रामिंग के लिए, तो आज की डेट में ये इनफ है, एक ये और एक होता है आपका ये। के सामने ये रहा, ये इनफ है, ये आपके पास होना चाहिए, समझ गया ना? ये आपका क्या है देखो,
ये आपका WS1 BIOS चिप का पीसीबी है। जैसे एचपी में क्या होता है, फ्लैट BIOS आता है, हाँ, तो उसको यहां पर आप सोल्ड करके अपना प्रोग्रामिंग करोगे। अब ये नहीं रहेगा और फ्लैट BIOS आया तो फिर वहां पर आपको दिक्कत होगी और जम्पर वम्पर मारना पड़ेगा, जो कि अनप्रोफेशनल तरीका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये चाहिए और मेरे को एक ये चाहिए, बात खत्म, समझ गया ना। इतना ही, यही दो काफी होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यूज इसका पड़ेगा और उसके बाद अगर एचपी लाइट बुक वगैरह आता है तो इसका पड़ेगा। क्या ये 100 रुपए का है पीसीबी, ये जो पीसीबी आती है 100 रुपए की आती है। अब 100 रुपए ना खर्च करके वो जम्पर मारो तो अनप्रोफेशनली तरीका होगा ना। मेरे से ले लेना, है ना। अब क्या है, अब इस पीसीबी में भी क्या है कि आपको सोल्ड करना पड़ेगा, जब भी BIOS को प्रोग्राम करना है तो सोल्ड किया फिर निकाल के लगाओगे, सोल्डिंग भी, सोल्डिंग का टास्क बढ़ जाएगा। फिर ये जो है कुछ ही दिन तक करेगा, बहुत ज्यादा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो ना, कितनी बार सोल्ड डिसोल्ड करोगे, प्रिंट टूट जाएगा, प्रिंट खराब हो जाएगा, 10 बार 15 बार 20 बार यही एक लिमिट होगी, है ना। और प्लस टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा ना लगे उसका भी उपाय होता है इसके लिए, उसके लिए आपको फिर ये उपाय होता है। चैनल में जाओगे इलेक्ट्रो आईटी टेक, WS1 लिख के एक उपाय ये है, BIOS लिया और सीधा इसके ऊपर रख दिया बस, और इस लीवर को डाउन कर दिया तो एक उपाय ये। अच्छा, बीच वाला जो देख रहे हो ये एप्पल में आता है T2 ROM, उसका भी यहां पर ऑप्शन दे रखा है, तो उस हिसाब से कीमत ज्यादा है। करंट प्राइस इसका 2500, ये आपको कितने का मिलेगा, 2500 रुपए का, ठीक है ना। और एक ऑप्शन होता है, आप बोलोगे यार 2500 बहुत ज्यादा है और सस्ता, तो ये और भी सस्ता हो गया, समझ गया ना। 1000, 1100, 1200, 1300 जैसा खरीद होता है जिसका वैसा। इसमें क्या है, ये ऊपर क्या रख दिया, लगा दिया, समझ गया ना। ये और एक ऑप्शन होता है आपके पास, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना, ये एचपी के कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कि एग्जैक्टली BIOS चिप जो होता है ना वो सोल्डर नहीं होता बल्कि इसके ऊपर रखा होता है। प्रोबुक के आते थे कुछ पुराने बोर्ड, है ना, प्रोबुक और कौन से थे और कौन से, एक एनवी सीरीज होती थी, उसमें ऐसे करके सॉकेट्स आते थे लगे हुए, ये वाले जो देख रहे हो ये, और उसके ऊपर BIOS डाल के वो पैक कराता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था BIOS है कहाँ। तो उस तरह के बोर्ड अगर कभी आपको स्क्रैप में मिल जाते हैं तो इस पूरे के पूरे सॉकेट को निकाल के ये 100 रुपए वाले पे आप पेस्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। किधर गया वो 100 रुपए वाला पीसीबी, इसके ऊपर सोल्डर कर दो तो आपका ये उसके कैटेगरी में चला गया। तो ऐसा भी लोग करते हैं, जिसको मिल जाता है वो इस पर डाल के अपना काम कर लेते हैं, समझ गया ना। तो कुल मिला के क्या है, ऑप्शन सारे हैं, 100 रुपए खर्च करने हैं कि 1000-1200 खर्च करने हैं कि 2500 रुपए खर्च करने हैं, समझ गया ना। तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये यही का यही रहेगा। और ये भी ड्यूरेबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप 5-6-7-8 बार जब यूज कर लोगे ना, ये स्प्रिंग पेस्ट है, तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो जब स्प्रिंग लूज हो जाती है तो स्प्रिंग को कैसे टाइट करते हो, खींच के, थोड़ा सा खींच के टाइट करोगे ना, तो बस वही जुगाड़ इसमें ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करके देते हैं और देखो ऐसे इसको पुश किया और ये दोनों को ऊपर उठाया, ऐसे करके प्रोग्राम करना पड़ता है फिर, समझ गया ना। तो मतलब ये मंगाते रहते हैं लोग क्योंकि अक्सर ये स्प्रिंग इसका लूज हो जाता है,
सर ये दो मिले थे मुझे किसके साथ, दो मिला ना, तो एक आपका आज के डेट में यूज ही नहीं होने वाला। आप जब ये लिए है ना, ये आता है सॉकेट, बायस चिप का पैकेज याद है ना, बायस प्रोग्रामिंग में बता रखा हूं, ये देखो ये 209 ML, ये 150 ML, ये 150 ML आज के डेट में तो मिलने वाला है नहीं। डेस्कटॉप के पुराने बोर्ड में आता था 150 ML में बायोस, या फिर कुछ लैपटॉप भी है एचपी के उसमें आता था 150 ML का ईसी बायोस। तो इसका यूज आपको नाक के बराबर पड़ेगा, ये रखा ही रहेगा आपका, हाँ नाक के बराबर पड़ेगा, सबसे ज्यादा यूज इसी का पड़ेगा, समझ गया ना। और इसका मैंने बता दिया, स्प्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग बेस्ड है तो ज्यादा नहीं चलता ना, स्प्रिंग कोई भी स्प्रिंग वाली चीज होगी ना, केवल ये नहीं कोई भी स्प्रिंग वाला चीज होगा तो क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद स्प्रिंग लूज हो जाता है, फिर आपको मैनुअली इसको टाइट करके चलाना पड़ेगा, या फिर एक ही बार में परचेज कर लो 4-5, समझ गया ना। तो ये ध्यान में रखना, तो इसकी बराबर डिमांड बनी रहती है मार्केट में, ठीक है ना। आप बोलोगे इसमें अच्छी क्वालिटी, वही होता है, इंडिया में तो नहीं मिलने वाली अच्छी क्वालिटी, वो चाइना में फिर मिलता है थोड़ा, ये स्प्रिंग अगर अच्छी क्वालिटी का आता है तो वो भी कीमत भी उसकी फिर 400-500 रुपए में चली जाती है, समझ गया ना, ये रहता है। मैंने एक बार मंगाया था लेकिन वो देखने में इसी के जैसा था, मेरा मिक्सअप हो गया, पता ही नहीं चला कौन सा अच्छी क्वालिटी है कौन सा बैड क्वालिटी है, समझ गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया प्रोग्रामर का बेसिक्स। F और H जो है सेम कंपनी है, छोटा भाई बड़ा भाई, CH341 छोटा भाई, यूनिट पास प्रोग्रामर बड़ा भाई, SBOD अलग ही कैटेगरी का हो गया, समझ गया ना, ये अलग कैटेगरी का हो गया। तो अब इसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लो, है ना। जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स होते हैं उनको हम हमेशा क्या सजेस्ट करते हैं, सस्ते पे जाओ, है ना। तो आप ये ले सकते हो इनिट बायस प्रोग्रामर, ठीक है ना, और दूसरा ले सकते हो आप इनिट का SIO प्रोग्रामर। तो कीमत आप देख लो, 7-3-10-11,000 में आपका SIO प्रोग्रामर भी मिल गया और बायस प्रोग्रामर मिल गया। अच्छा 3.3 वोल्ट को भी सपोर्ट करेगा और प्लस 1.8 वोल्ट को भी सपोर्ट करेगा, है ना। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके हाथ में आ गए। अगर आप इनिट बायस प्रोग्रामर नहीं लेकर के RT8 F लेते हो तो फिर वो 1.8 में दिक्कत करेगा, सभी में नहीं लेकिन कुछ एक चिप ऐसी है जिसमें कि वो दिक्कत करेगा। अच्छा दोनों में फर्क क्या है, प्राइस में देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनिट बायस प्रोग्रामर और RT8 F में। एक मोटा मोटा फर्क ये हो जाएगा आपका, RT8 F की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है RT8 F की, इसकी उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये फास्ट भी है, ये फास्ट है और इनिट पास प्रोग्रामर उस हिसाब से स्लो है, समझ गए ना। लेकिन इनिट बायस प्रोग्रामर परचेज करने पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, बाकी कुछ भी परचेज कर लो इनिट के अलावा किसी पे कोई वारंटी नहीं होती है, समझ गया ना। अच्छा लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए किसकी लाइफ बढ़िया है, SBOD4 का लाइफ का कोई गारंटी नहीं, आज खरीदोगे हो सकता है साल भर में बोल जाए, हो सकता है 6 महीने में बोल जाए, ये ध्यान में रख सकते हो। जो मार्केट से रेस्पॉन्स है वो मैं बता रहा हूं, है ना। इसका एच की लाइफ मेरे को सबसे ज्यादा, एच और एफ दोनों की लाइफ अच्छी है ना, मतलब आप परचेज कर लोगे रेगुलर भी यूज कर रहे हो तो आराम से, है ना, 3-4-5 साल निकाल देता है, कई बार तो खराबी नहीं होता है। अब गलत तरीके से प्रोग्राम करोगे सारा चीज किस पे आ जाता है, केयर पे, है ना। अगर आप अपनी चीजों का केयर करोगे तो लंबा जिएगा, नहीं केयर करोगे तो जल्दी खत्म होगा। मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने मेरा लैपटॉप है, मेरा 4th साल अच्छा खासा चल रहा है, केयर से रखता हूँ, नहीं तो कितनों को देखता हूँ 2 साल में उसका लैपटॉप कुछ से कुछ हो जाता है। मेरा तो 2012 का भी लैपटॉप आज तक चला रहा हूँ,
2012 में लैपटॉप लिया, अभी भी चल रहा है। 2015 में लिया, 3 साल बाद वो लैपटॉप भी चला रहा हूँ, है ना। फिर 2018 में लिया, वो भी चला रहा हूँ, समझ गया ना। और ये मेरा 4 साल होने को आ गया है, 2 साल बाद ही ले लिया था 2020 में, अभी तक चला रहा हूँ। मेरा तो खुद का जो लैपटॉप है कभी प्रॉब्लम ही नहीं दिया। 2012 वाले में एक बार गलती से वो पानी चला गया था तो उसका आयो शॉर्ट हो गया था, आयो बदल दिया बस, और आज तक कोई काम ही नहीं किया उसमें। तो केयर से रखते हैं तो चलता है। अब केयरलेस की तरह आप रखोगे किसी भी चीज को, है ना, चाहे आप खुद हो चाहे आपके अंडर काम करने वाला स्टाफ हो, है ना। स्टाफ तो केयरलेस ही होगा, ये तो याद रखना। केयर तो आपको अपना ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपनी चीज अपनी होती बिल्कुल है ना। तो आप अगर केयर करोगे तो लंबा जाएगा, बाद बाकी चाहे आपका स्टाफ हो चाहे मेरा स्टाफ हो, थोड़ा सा तो केयरलेसपन दिखाएगा ही, तो चीजें उसके पास जल्दी खराब होगी, मेरे पास जल्दी नहीं खराब होगी, है ना। क्योंकि मैं तो सुबह भी आके सबसे पहले देखता हूँ, साफ करता हूँ कि भैया सुंदर हो जा, है ना। अपनी चीजों को मैं पहले साफ कर लेता हूँ। तो केयर करना इसी को बोलते हैं ना, समझ गया ना, वही चीज हो जाती है। तो अब आपके पास ऑप्शंस मिल गया कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये आपको मैंने सर, दिखा ये दिया। एक्स लेने के बाद आयु के लिए यूनिट तो लेना पड़ेगा। हाँ ले सकते हो, अगर बहुत बढ़िया प्रोग्रामर में जाओगे तो एच बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। RTX जो एच में, ये लगभग दुनिया की सभी डिवाइस को सपोर्ट करता है, लाइफ भी लॉन्ग है इसकी, है ना, अच्छा चलता है, रीड राइट भी जल्दी जल्दी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। ये जो RTX F और H है केवल लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए नहीं, अगर मान लीजिए कोई प्रिंटर वाला है तो वो भी परचेज करता है अपने कार्ट्रिज वगैरह को रिसेट करने के लिए, समझ गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो H भी बढ़िया है। आयो के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, इनिटस आयो प्रोग्रामर या फिर SBOD4, समझ गया ना। लेकिन मार्केट का ट्रेंड उठा के देख लेना, SBOD4 लेने वाला भी लौट के फिर इन्हीं टेसायो पे ही आया है, समझ गए ना। जिसके पास SBOD4 है वो इसको एसआईओ की तरह कम यूज करता है, बायोस की तरह ज्यादा यूज करता है। मैं बोला जब बायोस प्रोग्रामर की तरह इसको यूज करना ही है तो फिर क्या ले लो, एच ले ले, सस्ता पड़ गया ना आपको। कहाँ 22,500, कहाँ 12,000, 10,000 का तो बचत है। अब बाकी उस 10,000 में आप इनिट एस आई प्रोग्रामर परचेज कर लो, 1 ईयर की वारंटी भी आपको मिलेगी इस पे, समझ गया ना। बाकी मैंने जो रेट दिया है ये कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, मैंने अपने हिसाब से रेट दिया। किसी के पास जाओगे तो इससे सस्ता भी मिल सकता है, इससे महंगा भी मिल सकता है, मैंने पहले बता दिया। सब हर किसी का प्राइस देने का अपना अलग अलग कॉस्टिंग होता है, वो कॉस्टिंग जोड़ के देता है वो, है ना। मान लीजिए मैं कहीं से मंगा रहा हूँ 5 पीस, तो 5 पीस में ही मार्जिन कमाने की सोचूंगा, है ना। अब किसी ने मंगा लिया 100 पीस, तो 100 पीस में वो 100 पीस के हिसाब से मार्जिन लेगा, तो हो सकता है वो आपको 200 रुपये सस्ता दे। मैंने 5 ही पीस मंगाया तो मैं आपको 200 रुपये महंगा दूंगा। तो मार्केट में यही चलता है, कुछ कहीं किसी के पास सस्ता किसी के पास महंगा, चीज वही रहती है ना। फिर बाद में मैटर ये करता है क्या, ये अगर फंसे तो कोई सपोर्ट देगा कि नहीं देगा, समझ गए ना। चाहे आप महंगा लो चाहे सस्ता लो, अगर फंस गए तो कोई सपोर्ट देगा कि नहीं सपोर्ट देगा, ये। तो अगर सपोर्ट को लेकर के जाओ ठीक है भाई, इनिट बायस प्रोग्रामर में मिलता है सपोर्ट, एसआईओ प्रोग्राम में मिलता है सपोर्ट, एफ और एच में कोई सपोर्ट नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। आज आप खरीदो 3 दिन बाद खराब, तो समझ लो आपका पैसा डूब गया, समझ गया ना, आपका पैसा डूब गया। मान लीजिए आप मार्केट से कोई मंगाता है, मार्केट से मंगा रहा है, तो मार्केट में क्या होता है, जो बेच रहा है वो क्या पूरा चेक करके बेच रहा है, नहीं, समझ गया ना। वो ज्यादा ज्यादा पावर दिखाएगा आपको, देखो बत्ती जल गई लाल वाली, हाँ भाई ठीक कर ले जा। अच्छा खुद जाके लिए तो चलो ठीक है, अगर आप कुरियर से मंगा लेते हो, है ना, ऑर्डर दे देते हो ऑनलाइन में व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहां पर तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है, कि आपने बिल्कुल मंगाया उसने भेजा,
पता चला आपका ये फंक्शन तो काम कर रहा है, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, आपके लिए तो फॉल्टी है ना, फिर आप भेजोगे उसको समझाना पड़ेगा ये काम कर रहा है ये काम नहीं कर रहा है। अब वो कितना समझदार है सेलर, उस पर भी डिपेंड करता है ना बात। तो कुल मिला के क्या हो जाता है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं इस चीज को सेल कर रहा हूँ, इन्हीं टेसायो प्रोग्रामर को सेल कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं सारा चीज जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, मैं इसको सपोर्ट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। अब मेरे को बोलोगे SPOD 4, मैं SPOD 4 अगर मैं सेल करता भी हूँ तो सपोर्ट नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता क्या कैसे होता है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। तो इससे बढ़िया क्या है, मैं सेल ही नहीं करता। कोई मेरे को कहता भी है सर SPOD 4 चाहिए, मैं बोल देता हूँ मैं नहीं सेल करता हूँ, जो सेल करते हैं उनका कॉन्टेक्ट देता हूँ, भैया उनकी जान खाना, तुम उससे लिए हो तो उसकी जान खाना, मेरे पास तो ऑप्शन है इसका, इनिट बायस प्रोग्रामर ले लो, ये ले लो, इनिट SIO ले लो। तो फिर क्या है, एफ में वारंटी नहीं है, इनिट में SIO और बायस में आपको वारंटी मिलेगी। तो कुल मिला के ये चीज होती है, समझिए ना। अगर आप किसी से SPOD ले तो बेशक अगर वो SPOD पे सपोर्ट दे रहा है तो अच्छी बात है, फिर लो आप, है ना। मेरा कहने का इतना मतलब है कि कोई भी जो इस तरह के टेक्निकल चीजें आप लेते हो, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है तब तो आप कहीं से भी उठा लो, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो प्रोफेशनल सेलर से मत लेना, है ना। प्रोफेशनल सेलर मतलब जिसका काम केवल सेल करना है उससे मत लेना, समझ गए ना। आप उससे लेना जो सेल प्लस सर्विस दोनों काम करता हो, बात समझ लो ना, ये चीज ध्यान रखना, ये कहने का मेरा मतलब है। लेकिन लोग क्या होते हैं ना, वो 200-500 रुपए सस्ते के चक्कर में कई बार फंस जाते हैं, हाँ उनकी बैंड बन जाती है। एक बंदा था मेरे से DSO का प्राइस पूछा, मैंने बोला 20,000 रुपए, 20,000 नहीं उस समय कीमत था आपका 18,000 मैंने बोला, उसको एक जगह से मिल रहा है 17,500 में, है ना। मेरे को बोला सर आप कर दो 17,500, मतलब नहीं करूंगा भाई, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो अपना तो सारा मैं जोड़ के लूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। 500 रुपए के कारण वो मेरे से नहीं लिया, है ना, वो मार्केट से उठा लिया, समझ गया ना। अब वो उठा तो लिया, बात वहीं पे खत्म हो गई। 6 महीने बाद मैंने उसका एक वीडियो डाला यूट्यूब पे DSO का, है ना, 6 महीने बाद कि उस DSO का कैसे बेसिक सेटिंग्स करेंगे, तब उसका मैसेज आता, 6 महीने तक मेरा DSO ऐसे ही पड़ा हुआ था, अब मैं समझा कि किस इसमें कैसे काम में आता है। आ समझ में आएगा, मतलब DSO ले लिया 6 महीने तक यूज में नहीं आया, अब बता 6 महीने तक तेरा पैसा फंसा, इंटरेस्ट जोड़ ले 500 से तो ज्यादा ही हुआ ना। तो मेरे को 500 रुपए अगर तू ज्यादा दे देता उसी समय के पूछ लेता, उसी से मैं बता देता तो 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया ना DSO पे, वही है लोग 200-400-500 को देखेंगे तो फिर वहां पे काम गड़बड़ हो जाता है, समझ गया ना। क्योंकि जाहिर सी बात है जो केवल सेल करता है उसको तो भैया कैसे करके भी सेल करना है ना, उसको महीने का किराया निकालना है, स्टाफ की सैलरी निकालना है, वो तो मतलब 400 में उसकी परचेज है, वो लास्ट महीने के लास्ट में आपको 500 रुपए मतलब 100 रुपए के मार्जिन पे भी बेच देगा, समझ गया ना। वो मार्केट नहीं देखेगा कि मार्केट का क्या स्टैंडर्ड है, समझ गया ना। और हमने क्या मार्केट का स्टैंडर्ड देखना, नहीं भाई 7500 रुपए का नीट SIO प्रोग्रामर है तो 7500 रुपए का है, चाहे आज लो चाहे परसों लो चाहे कभी भी लो, 7500 रुपए का ही है ना। अगर मैं इस 7500 को कम करने पे जाऊं, मैं इसको 7000 में बेचने पे चले जाऊं तो फिर मेरा तो यहाँ पर फायदा है लेकिन फिर मार्केट का नुकसान है, बात समझ रहे हो ना। मार्केट का नुकसान होगा क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड स्थापित किया जा रहा है वो टूट जाएगा, समझ गया ना। तो ये चीज होती है, इसलिए मार्केट को बोलते फिर कचड़ा कर रहा है। तो होता है जो प्रोफेशनल सेलर होगा वो मार्केट को कचड़ा करता है, और जो आपको सेल प्लस सर्विस दे रहा है वो जिस जो रेट है वही रेट है भैया, उसमें कोई कमी बेसी नहीं, वो चीज होती है। तो चलो ये आपको दे दिया,